और इसी बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण महाराज की गिरफ्तार। खजुराहो की निजी होटल से हुई है कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी। महात्मा गांधी पर विवादित बयान के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। कालीचरण को दोपहर तक रायपुर लाएगी छत्तीसगढ़। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। रजनी, फिलहाल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज करने के कुछ ही देर बाद रायपुर पुलिस की टीम जो है वो रवाना हो गई थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खास तौर से तलाशी की जा रही थी महाराज कालीचरण की। अब मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। पहले से ही दो धाराओं में मामला दर्ज है और देर शाम जब रायपुर पुलिस महाराज कालीचरण को लेकर पहुंचेगी उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये महत्वपूर्ण जानकारी रजनी साझा कर रही थी कि अभी जब छत्तीसगढ़ पुलिस दोपहर तक रायपुर लाएगी कालीचरण महाराज को, तो उसके बाद आगे की जो तस्वीर है वो थोड़ी साफ हो सकती है। पूछताछ आगे होगी। गिरफ्तारी हो गई है कालीचरण महाराज की, चूंकि महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था और इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई है। क्या बयान उन्होंने दिया, जरा सुनिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये बयान आपने सुना, किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया गया, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो हम आपको सुना भी नहीं सकते। हालांकि अब गिरफ्तारी कर ली गई है और ये भी कह रहे हैं कि पश्चाताप भी नहीं है उन्हें, उनके ऊपर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन अब चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्दी पेश भी किया जाएगा। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल, संसद में जब ये बयान दिया गया उस दौरान महात्मा गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की जा रही थी, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो हम इस वीडियो में सुन सकते हैं। सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मसले पर। जहां पर ये वक्तव्य दिया जा रहा था वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो भी तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे जब इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कालीचरण की गिरफ्तारी फिलहाल अब कर दी गई है कालीचरण महाराज की। और ये बता दें आपको, खजुराहो के एक निजी होटल में मौजूद थे जहां पर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है और एक निजी होटल से गिरफ्तारी हुई है कालीचरण महाराज की।